गुड इवनिंग फ्रेंड्स, खुशामदीद। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में 20 सवाल के, एक ऐसा गेम शो जहां हम चेक करते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स को उनकी फेवरेट पर्सनालिटीज के बारे में कितनी जानकारी है। इस गेम में होंगे दो राउंड्स, वन ऑन वन राउंड और फेस ऑफ राउंड। और इस बार से फेस ऑफ राउंड में भी हम आपके लिए लेके आएंगे दो पर्सनालिटीज। तो आज हमारे साथ हैं हमारे दो नए कंटेस्टेंट्स, निकिता पाटिल और मीनल सिंघवी जी। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातें। तो मीनल जी, स्वागत है आपका 20 सवाल में। अपने बारे में कुछ लिसनर्स को बताएं। थैंक यू आशीष। और मेरा नाम मीनल सिंघवी है, मैं हैदराबाद से हूँ। और तो क्या बताऊँ, मुझे म्यूजिक सुनने का बड़ा शौक है। वैसे मुझे गेम खिलाने का शौक है, लेकिन आज मैं खेलने भी आई हूँ, तो काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। बहुत बहुत स्वागत है आपका 20 सवाल में। और इस सब के अलावा मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि मीनल सिंघवी जी रेडियो उड़ान की डायरेक्टर भी हैं। तो आज के हमारी दूसरी कंटेस्टेंट हैं एक बहुत ही मशहूर आरजे रेडियो उड़ान की, जिनका नाम है निकिता पाटिल। तो निकिता जी, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे लिसनर्स को जो उनको अभी तक ना मालूम हो। जी नमस्कार सभी लिसनर्स को, और आशीष जी थैंक यू मुझे एक तो पहले इनवाइट करने के लिए शो में। गेम के बारे में तो फिर मुझे भी गेम पसंद है और आज खेलने का भी अवसर मिला है। मेरा नाम निकिता पाटिल है, मुंबई से हूँ मैं, और एक एनजीओ में एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती हूँ। हॉबीज के बारे में पूछे तो म्यूजिक पसंद है, रीडिंग पसंद है, और मतलब कंप्यूटर से लाइक चैटिंग वगैरह भी पसंद है, पर रीडिंग ज्यादा पसंद है और चेतन भगत की बुक काफी पसंद है। और अभी रेडियो डैम के साथ भी जुड़ी हूँ, कुछ लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ठीक है, अभी बता दिया है मैंने। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जानते हैं, और इस शो से जस्ट पहले आप ही का शो सुन के वो आए हैं। जी जरूर ही आए हैं। आई होप उन्होंने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल किया होगा। तो आज अब हम आप दोनों के साथ शुरू कर रहे हैं 20 सवाल, एक ऐसा गेम शो जहां पे आप पूछेंगे सवाल और मैं दूंगा जवाब। जैसे कि रूल्स आपको मालूम है कि पहले आप एक कैटेगरी चूज करेंगे और उस कैटेगरी से रिलेटेड पर्सनालिटी फिर आपको 20 क्वेश्चंस में गेस करनी होगी। हम अपने पहले राउंड में चलते हैं जो कि है वन ऑन वन राउंड। वन ऑन वन राउंड में आपको एक एक करके पर्सनालिटीज गेस करनी है अपनी कैटेगरी चूज करके। इन पर्सनालिटीज को गेस करने के लिए आपके पास होंगे कुल 20 सवाल और 10 मिनट। आप सिर्फ दो गलत गेस कर सकते हैं। अगर आपने दो गलत गेस किए और तीसरे गेस में सही नहीं बताया तो आपकी गेम वहीं पे ओवर हो जाएगी। तो आज पहले हमारे साथ वन ऑन वन राउंड खेलेंगी निकिता जी। निकिता जी, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, अब डायरेक्टर साहब ने कह दिया तो मैं तैयार हूँ। चलिए। बिल्कुल। तो कौन सी कैटेगरी तो में क्या देखें, आपकी आपकी साइलेंस ही बहुत कुछ कह देती है। तो बिल्कुल साइलेंट है। मैं वही कह रहा था, आप शो के एंकर ने कह दिया निकिता जी, तो वही हाई कमांड वहाँ पे बैठे, देखो तो उनको पता होगा, इसीलिए उन्होंने कहा चलिए फिर करते। देखिए, डायरेक्टर की तो साइलेंस ही काफी कुछ कह जाती है, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर एट प्रेजेंट मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, आपकी गेम की एक प्लेयर हूँ। बिल्कुल निकिता जी, आपकी चार कैटेगरीज जो आज की हैं वो हैं बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स और हिंदू माइथोलॉजी। तो आप क्या चूज करना चाहेंगी? ऑफकोर्स अभी जो शो के बारे में जो बात हुई थी तो मैं बॉलीवुड के साथ ही चली जाऊंगी। चलिए बिल्कुल, मेरे ख्याल से मुझे बाकी तीन कैटेगरीज देनी ही नहीं चाहिए थी, सिर्फ पता ही था कि ये तो बॉलीवुड ही होने वाला है। तो चलिए हम आपके साथ खेलेंगे एक बॉलीवुड पर्सनालिटी के बारे में। पर उससे पहले मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि वो घर बैठे भी हमारे साथ ये गेम खेल सकते हैं। अगर आप जानते हैं, अगर आप गेस कर पाते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी है, तो आप हमें हमारे रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप सवाल भी हमें
मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं हमारी रेडियो उड़ान स्काइप आईडी पर। हम आपको साथ के साथ उसका जवाब देंगे कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब खेलें पहला राउंड निकिता जी के साथ। कुल आपके पास 10 मिनट होंगे निकिता जी इस पर्सनालिटी को गेस करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। T-10 minutes. मेरा पहला सवाल होगा कि क्या वो एक फीमेल अभिनेत्री है? जी हाँ, वो एक फीमेल अभिनेत्री है, बिल्कुल सही। ओके, क्या वो किसी फिल्मी सितारों के घराने से बिलोंग करती है या फिर मतलब यूं कहा जाए कपूर या फिर खान से उसका कोई रिश्ता है, फैमिली रिलेशन? क्या उनका कपूर या खान फैमिली से कुछ रिश्ता है, आप ये जानना चाह रही हैं? जी नहीं, उनका इन दोनों ही फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। ओके, क्या इनकी फैमिली में इनसे पहले किसी ने फिल्मों में काम किया है? क्या इनकी फैमिली में इनसे पहले किसी ने फिल्मों में काम किया? जी नहीं, इनसे पहले किसी ने इनकी फैमिली में मूवीज में काम नहीं किया है। मैं यहाँ क्लारिफाई कर दूं कि उनकी फैमिली मतलब उनके फादर या मदर की फैमिली में से कोई भी फिल्मों में नहीं रहा है। क्या है 1970 के पहले की अभिनेत्री हैं? क्या जो इन्होंने मूवीज की हैं वो 1970 से पहले आई थी? तो जवाब है जी नहीं। ओके ओके, तो क्या इन्होंने 90 के दशक से आगे फिल्मों में काम किया है? क्या इनकी 90 के दशक और उसके बाद भी मूवीज आई हैं, आपका सवाल ये है? जी हाँ, इनकी 90 और उसके बाद भी मूवीज आई हैं। ओके, क्या अभी भी वो फिल्मों में काम कर रही हैं? आपका सवाल ये है कि क्या वो अभी भी मूवीज में काम कर रही हैं, यानी क्या उनकी 2013-14 में ही भी कोई मूवीज आई हैं, आप ये जानना चाहती हैं? जी हाँ, उनकी 2013-14 में भी मूवीज आई हैं। ओ, ये तो बड़ा टफ लग रहा है। अच्छा, क्या इन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार के साथ बतौर अभिनेत्री काम किया है? क्या उन्होंने इन चारों के साथ किसी मूवी में काम किया है? ये जो आपने पूछा है ये अब आपका 7वां सवाल है। जी नहीं, उन्होंने इन चारों में से किसी के साथ भी एज ए लीडिंग लेडी काम नहीं किया है। ओके, ये इन्होंने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीता है, मतलब ये जीत पाई है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस एशिया पैसिफिक? जी नहीं, उन्होंने इनमें से कोई भी ब्यूटी पेजेंट नहीं जीता है। क्या इन्हें कभी इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई थी, मतलब जिस तरह से बाकी अभिनेत्री की होती है? क्या इनकी कोई मूवीज बहुत हिट हुई हैं या बहुत ज्यादा सराही गई हैं, बहुत ज्यादा चली हैं? तो जवाब है जी हाँ। ये तो काफी टफ है मेरे लिए। मैं अपना पहला गेस लेना चाहूंगी यहाँ पर। ठीक है, आपके पास केवल 2 गेस हैं, गलत गेस, और ये आपका पहला गेस होगा। जी बताएं आपका पहला गेस। क्या ये अमृता राव है? जी नहीं, ये अमृता राव नहीं है। अभी थोड़ा वाइड है, थोड़ा और अगर आप नैरो करेंगी इसको तो। क्या इस अभिनेत्री ने ऋतिक रोशन के साथ भी काम किया है? क्या इस अभिनेत्री ने ऋतिक रोशन के ऑपोजिट एज एक्ट्रेस एज अ हीरोइन काम किया है? जी नहीं, इन्होंने ऋतिक रोशन के ऑपोजिट एज एक्ट्रेस काम एज अ हीरोइन काम नहीं किया है। ओके, ये तो मेरे लिए काफी टफ हो गया, मतलब
90s के आगे आए, तो 90s में भी इन्होंने काम किया है आपने कहा। फिर जी फीमेल हैं, कपूर फैमिली या खान फैमिली से रिलेटेड नहीं हैं। इनकी जो फैमिली में इनसे पहले किसी ने मूवीज में काम नहीं किया है, 1970s से पहले इन्होंने काम नहीं किया है, 1990s के बाद भी इनकी मूवीज आई हैं, करंट यानी 2013-14 में भी इनकी मूवीज आई हैं। T-5 minutes. खान या अक्षय कुमार के साथ उनके ऑपोजिट एज अ लीडिंग लेडी इन्होंने काम नहीं किया है। ब्यूटी पेजेंट इन्होंने कोई नहीं जीता है, यानी कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या एशिया पैसिफिक। इनकी काफी हिट मूवीज आई हैं और ये अमृता राव नहीं है। ऋतिक के अगेंस्ट इन्होंने काम नहीं किया है। अब जो आप पूछेंगे ये आपका 12वां सवाल होगा। जरूर। क्या इन्होंने कभी टीवी शो को होस्ट किया है एज अ होस्ट के तौर पर? नहीं, क्या इन्होंने कोई टीवी शो होस्ट किया है एज अ होस्ट? जी नहीं, इन्होंने टीवी शो होस्ट नहीं किया है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे काफी टफ लग रहा है। ओके, सारे सवाल ही कर दूं। क्या इन्होंने सैफ अली खान के साथ काम किया है एज अभिनेत्री के तौर पर? जी नहीं, इन्होंने सैफ अली खान के साथ भी काम नहीं किया है, उनके ऑपोजिट यानी काम नहीं किया है। यानी मेरा वो गिफ्ट थोड़ा एक काम चला जाता। आप मिस कर रही हैं अपना मार्क। कुछ ऐसे सवाल जिनको आप थोड़ा सा रीफ्रेज करें तो आपके लिए आसान होगा इस पर्सनालिटी को गेस करना। मैं गेस यूज कर लूँ? अगर आपको लगता है कि आपको पता लग रहा है तो आप उससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ सकती हैं, उस तरह से आपका गेस भी यूज नहीं होगा और आपको क्लू भी मिल जाएगा कि वो पर्सनालिटी है कि नहीं है। उसके उस पर्सनालिटी से ही रिलेटेड कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज आप पूछ के कभी भी एक आइडिया ले सकती हैं कि जो आप सोच रही हैं वो सही लाइन पे है या नहीं है। नहीं, जितने मेरे सामने नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से मेरे सवाल से रिलेटेड ही हो रहे हैं, जहां तक मैं बात करूँ तो ये तो काफी मेरे लिए टफ लग रहा है मुझे। अभी आपके पास 6 सवाल बाकी हैं अभी। जी, क्या इन्होंने सुनील शेट्टी के साथ काम किया है एज अभिनेत्री के तौर पर? क्या इन्होंने सुनील शेट्टी के ऑपोजिट एज एन एक्ट्रेस काम किया है? तो जवाब है जी नहीं। ओह माय गॉड, इन्होंने इनके सारे के साथ काम भी नहीं किया फिर भी वो फेमस। मैं पूछ सकती हूँ सवाल? मुझे मालूम है कि आप बहुत उतावले हो रहे हैं, पर बात को सुनाते सुनाते मैं खुद ही बोलती हूँ कि कितने अभिनेत्री है कहाँ पे काम करते। खैर, ये तो कुछ 2 सवाल है जो मुझे लगता है ये मिस कर रही है। हाँ जी, हेल्प कर ही दो आप मेरी। पास आके छू के दूर चली गई हैं। मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ निकिता जी, आपका एक सवाल काफी रिलेटेड हो सकता था पर आपने उसको मार्जिन से मिस किया है, तो अगर उस सवाल को आप थोड़ा सा रिफ्रेज करें तो आपको एकदम आइडिया लग सकता है। जी, मैंने ये मेरा जो ऑब्वियस सवाल है उसके बारे में कह रहे कि बात सारे सवालों के बारे में कह रहा। आपके पास करीब 1 मिनट का टाइम अभी शेष है। मैंने आप एक बार आप कह रहे हैं कि मैंने जो सवाल करे उनमें उनके बारे में कह रहे कि ओवरऑल जो आपने सवालों सवाल के किए बारे में। हैं, जी हाँ उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल किए हैं, अगर आप उन में से कुछ एक सवालों को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछती तो आपके लिए गेस करना आसान हो चुका होता। -1 minute. ओके, क्या ये तब्बू है? आप अपना दूसरा गेस्ट लेना चाहेंगी? जी जरूर। T-50 seconds. आपका सवाल है क्या ये तब्बू हैं? जी नहीं, ये तब्बू नहीं है। आई एम सीरियसली ब्लाइंड, मुझे पता ही नहीं चल रहा है उसके बारे में। आपका समय पूरा हो रहा है,
पहले आपसे आंसर मिलेगा मुझे। लेकिन सेकेंड गेस करने के बाद भी यू कैन गिव चांस टू हर। अब इसके बाद अगर ये गलत करेंगी तो वो आउट हो जाएंगे सीधा ही। तो मैं करूंगी नहीं ना, चलिए आपका टाइम अप हो गया है निकिता जी। क्या आंसर बता दें? अब मीनल जी आप क्या गेस लेना चाहेंगी या सवाल पूछना चाहेंगी पहले गेस लेने से पहले? अगर तो मुझे परमिशन है सवाल पूछने की तो हाँ पूछिए, क्योंकि निकिता जी का राउंड ओवर हो गया है तो इट्स ओपन फॉर यू। आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे पर देखते हैं कि आप गेस कर पाती हैं कि नहीं। जी जी बिल्कुल। क्या ये 80s की एक्ट्रेस है? जी हाँ, इन्होंने 80s, इनका जो ज्यादातर काम है वो 80s में है। क्या ये साउथ इंडिया से है? जी नहीं, ये साउथ इंडिया से नहीं है। आपने निकिता जी पूछा कि क्या इनसे पहले इनकी फैमिली ने में किसी ने फिल्मों में काम किया है, यानी इनके पेरेंट्स या उन्होंने, तो वो नहीं है जवाब। पर अगर आपने पूछा होता कि क्या इनकी फैमिली में से लोग मूवीज में हैं, तो उसका जवाब था हाँ। और ये जो एक्ट्रेस हैं वो हैं डिम्पल कपाड़िया। तो इनके हस्बैंड राजेश खन्ना ने भी फिल्मों में काम किया है, इनके बच्चे और इनके सन इन लॉ अक्षय कुमार भी फिल्मों में हैं। हाँ मैं वहीं तक थी थोड़ी, मतलब एक्चुअली मैं आपने कहा 70s के बाद गई थी 90s, तो मैंने 80 को स्किप कर लिया था ना पूरी तरह। फिर वो इनका जो ज्यादातर काम है वो 80s में ही रहा है। इनकी मूवी बॉबी और इनकी सागर के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, यानी काफी हिट रही है। पर क्या डिम्पल कपाड़िया तो मैंने भी नहीं गेस किया। आई थिंक मेरे श्रीदेवी पे जा रहा था पहले मेरा, लेकिन जब आपने साउथ इंडिया मना ही कर दिया तो फिर ये था। चलिए ये था हमारा 1-on-1 राउंड निकिता जी के साथ। अब देखते हैं कि मीनल जी अपने 1-on-1 राउंड में कैसा करती हैं, पर हम ये देखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं, वर्ष में 2 बार निशुल्क निशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हमने देखा कि पहले राउंड में निकिता जी गेस नहीं कर पाई कि उनकी पर्सनैलिटी कौन सी थी, पर अब देखते हैं कि मीनल जी क्या अपनी पर्सनालिटी गेस करवाती हैं। तो मीनल जी क्या आप तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपकी कैटेगरीज हैं वही सेम, यानी बॉलीवुड, पॉलिटिक्स। जी मैं भी बॉलीवुड ही सेलेक्ट करूंगी। ठीक है बिल्कुल, देखें कैटेगरीज पूरी होने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आप बॉलीवुड एज अ चॉइस लेना चाहेंगी। जी तो देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कौन सी होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी हमने सिलेक्ट कर ली है मीनल जी। अब आपके पास इसके बाद 10 मिनट होंगे अपनी पर्सनालिटी को गेस करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब।
minus 10 minutes. तो सबसे पहला मेरा भी यही सवाल होगा कि क्या वो एक एक्ट्रेस या एक्टर है? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, तो आपको सवाल अलग तरीके से पूछना पड़ेगा। क्या वो कोई एक्ट्रेस है फीमेल? जी हाँ, वो एक एक्ट्रेस है, यानी फीमेल है। क्या ये साउथ इंडिया से है? जी हाँ, ये साउथ इंडिया को बिलोंग करती हैं। साउथ इंडिया से, तो क्या ये 80s के पहले की एक्ट्रेस है या 80s के बाद की? आई मीन टू से इनकी जो मूवीज आई थी ज्यादा वो 80s में आई थी या 90s? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, तो आपको अपना सवाल अगेन रिफ्रेज करना पड़ेगा। क्या ये 80s की एक्ट्रेस है? क्या इन्होंने 80s में काम किया है? क्या आप ये जानना चाहती हैं? जी नहीं, इन्होंने 80s में काम नहीं किया, यानी 80s में मूवी नहीं आई है। में तो क्या इनकी मूवीज अभी मतलब 2013, 14, 15 में आई है? क्या उनकी मूवी 2013 से 2015 के बीच में उनकी मूवीज आई हैं? जी हाँ, उनकी इस ड्यूरेशन में मूवीज आई हैं। क्या वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है? क्या उनका बर्थ तमिलनाडु में हुआ है? आप ये जानना चाह रही हैं? जी नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वो मतलब तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं पेरेंट्स उसके? क्या उनके पेरेंट्स तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं? आप ये जानना चाह रही हैं? जी नहीं, उनके पेरेंट्स तमिलनाडु को बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या इनकी मूवीज 90s में आई थी? क्या इनकी मूवीज 1990s में आई थी? जी नहीं, इनकी मूवीज 1990s में नहीं आई। साउथ इंडिया से ये आपका सातवां सवाल होगा जो आप पूछेंगे मीनल जी। जी क्या इनकी मैं तमिलनाडु तो पूछ लिया था, साउथ इंडिया में साउथ क्या ये आंध्र प्रदेश या केरला से बिलोंग करती है? क्या ये आंध्र प्रदेश या केरला में से एक से बिलोंग करती हैं, यानी इनका जन्म इन दोनों में से एक स्टेट में हुआ है? जी हाँ, इनका इन दोनों स्टेट में से किसी में जन्म हुआ है। ओके, तो अब तो ये क्या ये केरला से बिलोंग करती है? जी हाँ, ये केरला से बिलोंग करती हैं। ओके, शायद
मैं सोच रही हूँ कि गेस ले लेते लेकिन ये आपका नवा सवाल होगा। जी अगर आपको लगता है कि आपने गेस किया है या आप नजदीक हैं, तो आप कुछ रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पूछ के, जैसे मैं निकिता जी को बता रहा था, आप थोड़ा और करीब आ सकती हैं, या अगर आप गेस लेना चाहें तो बिल्कुल गेस ले सकती हैं। केरला से कोई तो टाइम पर भी नजर रखिए कमीने जी, जी, टाइम आपके ओके टाइम पास, कितना हो गया? आपके करीब 6 मिनट हो चुके हैं। क्या मैं एक गैस ले लूं? जी बिल्कुल, क्या ये विद्या बालन है? ये आपका पहला गेस होगा। क्या आप ये गेस लेना चाहेंगी? जी हाँ, क्या ये पर्सनालिटी विद्या बालन है? जी हाँ, जी ये पर्सनालिटी विद्या बालन ही है। ओके T-3 मिनट। तो आपने 8 सवालों में गेस कर लिया है कि ये पर्सनालिटी कौन सी है। ओके तो अभी मेरे पास 12 पॉइंट्स है, राइट? जी बिल्कुल। चलिए हम आपको विद्या बालन के बारे में कुछ बता देते हैं। विद्या बालन का जन्म हुआ था 1978 में केरला की एक फैमिली में। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है ये मुंबई से की है, और इन्होंने अपना फिल्म डेब्यू यानी कि जो अपना फिल्म करियर है वो 2003 में एक बंगाली मूवी से शुरू किया। पहली हिंदी मूवी इनकी थी परिणीता, जो कि आई 2005 में। उसके बाद से ये अपने काम के लिए काफी सराही गई हैं। इन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें कि एक नेशनल अवार्ड और 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। इनका काम डर्टी पिक्चर, कहानी और पा जैसी मूवीज में खास करके सराहा गया है। तो ये थी विद्या बालन के बारे में कुछ जानकारी। अभी फर्स्ट राउंड ओवर होने तक हमारा स्कोर हो गया है मीनल जी 12 पॉइंट्स, और निकिता जी ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, पर चिंता मत कीजिए निकिता जी, अभी हमारे पास 2 राउंड और बाकी हैं फेस ऑफ राउंड में, जहां पे क्या आप बड़ी आसानी से अपना जो पॉइंट्स हैं उनको रिगेन कर सकती हैं। तो जी चलिए अब खेलते हैं हम अपना नेक्स्ट राउंड, जो कि है फेस ऑफ राउंड। इस राउंड के रूल्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसमें आप दोनों इकट्ठे पर्सनालिटी को गेस करेंगी, यानी एक सवाल मीनल जी पूछेंगी और एक सवाल निकिता जी, एंड आप में से जब भी किसी को लगे कि वो आंसर जान गए हैं तो वो गेस कर सकते हैं। बट वन ऑन वन राउंड में जैसे आपको 2 गेस मिल रहे थे, इस राउंड में आपको केवल एक गलत गेस आप कर सकते हैं। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015, मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015, जहां होंगी पोएट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में, जो कि है फेस ऑफ राउंड।
इस राउंड में एक सवाल निकिता जी पूछेंगी और एक सवाल मीनल जी, एंड जो भी पहले गेस करेगा उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें आप लोग केवल एक गलत गेस कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी जी बिल्कुल। तो क्योंकि इस टाइम पे मीनल जी लीड कर रही हैं, तो पहले कैटेगरी चूज करेंगी मीनल जी। आप कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहेंगी मीनल जी? जी मैथोलॉजी। ठीक है जी, ये आपके लिए जो पर्सनालिटी होगी ये होगी मैथोलॉजी यानी हिंदू मैथोलॉजी से। एक एक करके आप दोनों सवाल पूछेंगी और जो भी पहले गेस करेगा उसको मिलेंगे सारे पॉइंट्स। तो आप लोग पूछना शुरू कर सकते हैं अब, क्योंकि इस टाइम पे मीनल जी लीड कर रही हैं, तो पहला सवाल मीनल जी पूछेंगी। मीनल जी, क्या ये पर्सनालिटी रामायण में से बिलोंग करती है? जी हाँ, ये पर्सनालिटी रामायण में से बिलोंग करती है। क्या ये पर्सनालिटी देवगन या फिर राक्षसगण, वो दोनों में से देवगनों से बिलोंग करती है? आपका सवाल है निकिता जी कि क्या ये कोई देव हैं? क्या आप ये पूछना चाहती हैं? जी नहीं, ये देव नहीं है। ये मेल या फीमेल है? हाँ या ना मैं जवाब दे सकता हूँ मैं मीनल जी? जी तो मेल या फीमेल। अच्छा क्या ये कोई फीमेल है? क्या ये पर्सनालिटी मादा है? आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या ये फीमेल नारी है? ये जी फीमेल नारी पूछना चाहते हैं। क्या ये पर्सनालिटी एक नारी है? जी नहीं, ये नारी नहीं है। एक छोटा सा डाउट है मुझे, जो ये राक्षस जो है ये नर नारी में आते हैं या? जी हाँ, वो नर नारी में ही मैं काउंट करूंगा उनको। तो ये नारी नहीं है। तो क्या ये इनका रामायण में जी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है कि भूमिका है क्या? जी हाँ, इनकी रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका है यानी एक मेन कैरेक्टर्स में से ये रामायण के हैं। क्या ये कोई एनिमल है? क्या ये जानवर हैं? क्या ये जानवर जाति को बिलोंग करते हैं? ये आपका सवाल है और जवाब है जी हाँ। क्या है ये प्रभु श्री राम के निकट के माने जाते हैं? निकट से आपका क्या तात्पर्य है? उनके उनके दूत इस तरह मुझे। क्या ये राम दूत के तरह मशहूर हैं? क्या आप ये जानना चाहती हैं? क्या आपका सवाल ये है? हाँ जी। क्या आप इसको रिफ्रेज करना चाहेंगी? ये राम दूत के नाम से मशहूर नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये राम दूत के नाम से मशहूर हैं, तो ये राम दूत के नाम से मशहूर नहीं है। क्या ये मेल फीमेल भी हो सकता है ना? मीन टू से क्या ये क्या ये मेल एनिमल है? क्या ये एक नर पशु है? जी हाँ, ये एक नर पशु है। कितने क्वेश्चन हो गए?
मेरे दोस्त। अब जो निकिता जी पूछेंगी ये आठवां सवाल होगा। क्या इनका खुद का राज्य था? ये किसी क्या कहते हैं, क्या ये किसी राज्य के राजा थे? क्या आप ये पूछना चाहते हैं? जी नहीं, ये किसी राज्य के राजा नहीं थे। मीनल जी की बारी है। यार एक वो थे ना, वो कौन थे? तो राजा भी नहीं है, रामदूत भी नहीं है। रामदूत तो हनुमान से ही थोड़ लेंगे। यार उनके उनके करीब ही कोई भी नहीं है। जब ये बनवा सवाल आपने बदल के कर दिया था कि क्या ये रामदूत के नाम से मशहूर हैं, जिसका कि जवाब था नहीं, ये रामदूत के नाम से मशहूर नहीं। गेस करना है। गो फॉर इट। किसके टर्न है? मेरी टर्न है ना? आपकी टर्न है मीनल जी। और आपका, अगर आप गेस करेंगी, ये एक ही आपके पास गलत गेस करने की ऑप्शन है, तो मैं सलाह ये दूंगा कि अगर आपका पर्सनालिटी समझ में आ रही है तो आप उसके करीब का सवाल भी पूछ सकती हैं। ये जो वनवास थे तो तब क्या ये पर्सनालिटी, मतलब ये जो थे उन राम जी के साथ में थे उस दौरान पे? क्या ये श्री राम को उनके वनवास के दौरान मिले या उनके साथ रहे, आप ये जानना चाह रहे हैं? जी हाँ। जी हाँ, ये उनको उनके वनवास के दौरान ही मिले थे। ये जो कैरेक्टर हैं, यानी जो 14 साल का वनवास था उस दौरान ही ये कैरेक्टर इनको मिले हैं, उनसे परिचय हुआ है। सवाल निकिता जी। जी नाम तो ठीक है लेकिन सही में गलत ना हो। गेस ले सकती हैं आप एक गलत गेस ले सकती हैं, आपको एक गलत गेस लेना अलाउड है। क्या ये जटायु है? ये आपका पहला गेस होने वाला है निकिता जी, क्या आप इसको रखना चाहेंगी? क्या ये जटायु हैं? जी नहीं, ये जटायु नहीं है। मीनल जी आपकी बारी। तो मैं भी गैस ले लेती हूँ। गैस ले सकती है। इससे ये बताइए कि जैसे अगर हमने अभी गैस ले लिया और हमारा रॉन्ग हो गया तो हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, पर उसके बाद आप जब भी गैस लेंगी तो आपकी और वो गलत हुआ तो वहीं पे ही ओवर हो जाएगी ये आपके लिए। अच्छा मेरे लिए, क्योंकि निकिता जी अपना गैस ले चुके हैं तो उनके लिए भी सेम रूल ही होल्ड करेगा। दो पर्सनैलिटी मेरे दिमाग में आ रही है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है उसमें। अगर मैं एक भी क्वेश्चन क्लियर कर लूंगी तो निकिता आइडिया लगा लेगी। नहीं मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। वैसे देखो बॉलीवुड का मुझे कुछ नहीं पता था।
क्या ये कोई मैसेज लेके रावण के पास गए थे? सॉरी, आप सवाल एक बार दोबारा पूछ सकती हैं? क्या ये कोई मैसेज लेके रावण के पास गए थे? क्या ये मैसेज लेके रावण के पास गए थे? जी हाँ, ये भगवान राम का मैसेज लेकर रावण के पास गए थे। तो ये दूत तो जरूर थे, बट इनको राम दूत के नाम से मशहूर नहीं है, क्योंकि राम दूत जी मुझे नहीं पता। देखो निकिता जी, आपकी टर्न है। जी, बारवां सवाल होने वाला है ये। काफी नजदीक आ गए हैं मेरे ख्याल से। अब तो मीनल जी वेट कर रही हैं अपनी टर्न आने का। नहीं तो दो बचने थे ना। तो मुझे अगर मैंने एक हाथ गेस कर ली तो दूसरी बार रिकॉर्ड भी होगी। एक तो नाम ही नहीं पता ना, इतना इजी इजी पर्सनालिटी है। देखिए बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी है ये, काफी बार रामायण में इनका वर्णन आता है। जी जी, देख रहा है टर्न। क्या ये रूप बदल कर राम रावण के पास गए थे संदेश भाग के तौर पर? क्या ये रूप बदल कर रावण के पास गए थे? जी नहीं, ये रूप बदल कर रावण के पास नहीं गए थे। मैं दो चीजों में बहुत कंफ्यूज हूँ। मीनल जी आपकी बारी है। जी, एक ही गेस जो कि गलत हो सकता है। निकिता जी अपना एक गेस दे चुकी हैं ऑलरेडी। यार क्या आप हमें क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी जरूर। ये रामायण से बिलोंग करती हैं पर्सनालिटी, देव नहीं है ये नर हैं, यानी नारी नहीं है ये, जानवर के रूप में है, राम के करीब माने जाते हैं, मतलब राम की तरफ माने जाते हैं। नर हैं, मतलब जो जानवर हैं वे नर हैं, ये कहीं के राजा नहीं हैं। जी मैं गेस लेना चाहूंगी यहाँ पर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई थिंक इट इज हनुमान। हनुमान क्या पक्का ये पहला गेस होने वाला है? जी नहीं, ये हनुमान नहीं है, क्योंकि पहले ही निकिता जी पूछ चुकी थी कि ये क्या ये रामदूत के नाम से मशहूर हैं, और हनुमान जी रामदूत के नाम से मशहूर हैं। जी हाँ, निकिता जी अब आपकी बारी। जी, ये मैसेंजर बन के रावण के पास जरूर गए हैं, तो अब आप लोगों के लिए आसान है कि कौन से मैसेंजर्स। यार मैंने मिस्टेक कर दी। निकिता जी जी जरूर, नहीं तो मैसेंजर में नहीं, एक तो वो तो हो गए उल्टी। मैं इतना गेस क्लू दे सकता हूँ आप लोगों को कि इनकी मैसेंजर वाली कहानी काफी
फेमस जानी मानी है, काफी फेमस है। जी जी बंदर का रूप धारण किया था, नहीं पर सॉरी परिवार का अलग अलग कोई रूप धारण करके नहीं है। क्या वो कोई पंछी थे? जी नहीं, वो पंछी नहीं थे। नीरज जी आपका सवाल। जी यार आई थिंक मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा, बट अंगद शायद उनका नाम होगा आई थिंक। क्या आप गेस लेना चाहेंगी या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? जी मैं गेस ही लेना चाहूंगी। ये आपका फाइनल गेस होगा मीनल जी। अगर आपने यहाँ गलती की तो निकिता जी बाय डिफॉल्ट इस राउंड को जीत जाएंगी। तो आपका फाइनल गेस आप लेना चाहेंगी? मुझे तो अंगद ही याद आ रहा है। क्या आप गेस लेना चाहेंगी? जी जी बताएं। जी और तो अभी कौन सा सवाल है? ये जो आप पूछे ये आप लोगों का 15वां सवाल होगा, 15th क्वेश्चन होगा ये आप लोगों का। यार फिर तो 5 पॉइंट मिल जाएंगे निकिता को, यार वो जीती जाएगी। नहीं अभी 5 पॉइंट मिलेंगे। तुम्हें जीत जाओगे वैसे। अंगत ही मुझे याद आ रहे हैं बस, नाम याद आ रहा। जी मैं उसी के साथ जाना चाहूंगी। तो आप ये फाइनल गेस लेना चाहेंगी? आप कह रही हैं कि ये पर्सनालिटी अंगद हैं। जी तो इस सवाल का सही जवाब है जी हाँ। ये देखो फाइव पॉइंट तो मिल गया ना आपको। ठीक है जी, ये बिल्कुल रामदूत बन के गए थे, मैसेज लेके गए थे राम का। ऑल्दो ये रामदूत के नाम से मशहूर नहीं है, वो हनुमान है। पर जी हाँ मुझे इसी अंगद और हनुमान दो में ही कंफ्यूज था। मुझे दोनों में ही मुझे तो एक हनुमान तो नहीं थे तो हाँ भाई मैंने सोचा, लेकिन इनका नाम ही मुझे नहीं आ रहा था। वैसे इनका बहुत ही मशहूर किस्सा है जब इन्होंने रावण के दरबार में अपना पांव जमा दिया था। जी के नाम से एक कहावत भी मशहूर हो गई है, अंगद का पैर जिसको कि हिलाया नहीं जा सकता। जी तो फेस ऑफ राउंड के पहले राउंड के बाद मीनल जी ने अपने लिए 6 और पॉइंट्स यानी 12 के पहले और 6 अब के साथ वो 18 पॉइंट्स की लीड पे आ गई हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं फाइनल राउंड फेस ऑफ का, जहां पे कि निकिता जी के पास चांस है कि वो इस गैप को कम करें या हो सकता है कि गेम को जीत भी लें। तो चलिए पहले जीतना को आपके पास चलिए चलते हैं अपने फाइनल फेस ऑफ राउंड में, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके, वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं, दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, नहीं बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ,
लॉग ऑन कीजिए www.radiouran.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है ये गेम निकिता जी और मीनल जी के साथ। मीनल जी ने अभी तक गैदर कर लिए हैं 18 पॉइंट्स और निकिता जी अब देखते हैं कि टक्कर दे पाती हैं कि नहीं। तो कौन सी कैटेगरी आप चूज करना चाहेंगी निकिता जी? बॉलीवुड, माइथोलॉजी, पॉलिटिक्स और बिजनेस? लेट्स अगेन गो विद बॉलीवुड। एंड सिंस ये अब आपका राउंड है तो पहला सवाल पूछेंगी आप जी। और क्या ये अभिनेता है, ये मेल अभिनेता है? जी नहीं, ये मेल अभिनेता नहीं है। क्या ये 80s के पहले की एक्ट्रेस है? क्या इन्होंने जो ज्यादातर काम किया है वो 80s से पहले किया है, आप ये जानना चाह रही हैं? 80s में और या 80s से पहले? ये दो अलग अलग सवाल हैं नीनल जी। नहीं, आई मीन टू से कि 80s से पहले, मतलब इंक्लूडिंग 80s। इंक्लूडिंग 80s क्या इन्होंने काम किया 80s या 80s से पहले? तो जवाब है जी हाँ, 80s से पहले। ओके, 80s इंक्लूड करके 80s से, 80s और 80s से पहले इन्होंने काम किया है। ओके। क्या ये बंगाल से बिलोंग करती है? क्या ये बंगाल को बिलोंग करती है? जी नहीं, ये बंगाल को बिलोंग नहीं करती। ओके। क्या ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती है? क्या ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती है? तो जवाब है जी नहीं। क्या ये इन्होंने आफ्टर मतलब 90s में भी काम किया है? जी हाँ, इन्होंने 90s में भी काम किया है। क्या ये मैरिड है? जी हाँ, ये मैरिड हैं। क्या इनके बच्चों ने, बच्चे भी फिल्मों में काम कर रहे हैं? क्या इनके बच्चे भी फिल्मों में काम कर रहे हैं? जी नहीं, इनके बच्चे फिल्मों में काम नहीं कर रहे। साउथ इंडिया से है नहीं, मैरिड आठवां सवाल होने वाला है आप लोगों का ये। क्या ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है? क्या ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है? जी हाँ, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ओके। क्या ये, मतलब मैं गेस ले लूं? क्या आप अपना पहला गेस लेना चाहेंगी? जी बताएं। क्या ये माधुरी दीक्षित है? क्या ये पर्सनालिटी माधुरी दीक्षित हैं? आपने कैसे इतनी जल्दी गेस करने का सोचा निकिता जी कि ये माधुरी दीक्षित हो सकती हैं? अभी तो कुछ खास सवाल हुए नहीं है जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और शेज महाराष्ट्र, उनके बच्चे भी फिल्मों में नहीं है। पद्मिनी कोल्हापुरी का भी शायद ऐसा ही स्टेटस है नहीं जी? पर 90s में उनकी फिल्में ज्यादा नहीं आई कम्पेयर टू मार्केट। आपने बिल्कुल सही गेस कर लिया है, ये पर्सनालिटी माधुरी दीक्षित ही हैं। ओह, बट 70s में आई थी इनकी मूवी? नहीं, इनकी मूवी 70s में नहीं आई है। आपका सवाल ये था क्या इन्होंने 1980s या उससे पहले काम किया है, तभी मैंने आपसे बार बार पूछा कि क्या आप 1980 से पहले कह रही हैं, तो आपने कहा कि 1980s मिला के क्या इनकी कोई मूवीज आई है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इन्होंने 1980s में काफी काम किया है। ओके,
चलो अच्छी बात है। तो 12 पॉइंट, क्योंकि आठवें सवाल के बाद ही निकिता जी ने गेस कर लिया है, तो उन्होंने गेन कर लिए हैं 12 पॉइंट्स। तो हमारा फाइनल स्कोर हो गया है निकिता 12 पॉइंट्स पे, और आज का ये एपिसोड जीत लिया है मीनल जी ने 18 पॉइंट्स पे। जी फाइनली फाइनली। तो कैसा लगा आपको मीनल जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स? जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है कि लिसनर्स काफी हंस रहे होंगे कि इतनी इजी इजी पर्सनालिटी भी हमें गेस करनी नहीं आई। बट वेल, हमने काफी एंजॉय किया, काफी मजा आया बहुत। थैंक यू सो मच। निकिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे लिसनर्स से? अब तो लिसनर्स कहेंगे क्या कर रही बात को करेंगे क्या। मैंने काफी एंजॉय किया, और फिर हार जीत तो लगी रहती, पर मजा आया मुझे, और आगे से कोशिश करूंगी कि गेस कर पाऊं। लगती कई बार हमें लगता है कि हम पर्सनालिटी को जानते हैं, और बहुत कॉमन होने के बावजूद भी हम कई बार उनकी गेस नहीं करते। होता है ऐसा, मोस्टली हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा आप लोगों के साथ ये गेम खेलकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ ये गेम शो खेला आज का। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड 20 सवाल का। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो जरूर हमें फीडबैक दीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radiouran.com। आप यहां आकर हमारे साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्म भर के आप बता सकते हैं कि आप हमारे साथ ये गेम खेलना चाहेंगे, और हम आपको जरूर आने वाले एपिसोड्स में 20 सवाल के शामिल करेंगे। तो आज का एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूं। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल वीक, और मिलूंगा मैं आपको अगले हफ्ते। गुड बाय। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ, प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम में गजल सुनना ना भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान।